अच्छा मैम, आप हमें ये बता दें कि पहले तो आप लोग बहुत वादे करते थे, तो फिलहाल अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर को इतना चार्जेस आप लोग ले रहे हैं? सर मेन तो देखिएगा, शुरू शुरू में तो जो होता है कि बिजनेस स्ट्रेटजीज होती है जो कि सभी अप्लाई करते हैं, राइट सर। सो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया है, अपग्रेड भी किया है, बहुत सारे प्लांट अपग्रेड किए हुए हैं जिसमें आपको इतने सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। अब शुरू में सिर्फ स्टैंडर्ड ही प्लान था, इसकी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन अभी जो है और भी अकाउंट प्लान उन्होंने लॉन्च किए जिसके कारण स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए चार्जेस एप्लीकेबल किए हैं। अच्छा, तो मैम एक तो हो सकता था ना कि जैसे कि नए कस्टमर जो अभी आपके साथ जुड़ रहे हैं तो उनके लिए चार्जेस अप्लाई करो, जो पुराने कस्टमर हैं उनके लिए क्यों ये सब चार्जेस एनुअल चार्जेस वगैरह लिया जा रहा है? नहीं, पुरानी कस्टमर्स के लिए एनुअल चार्जेस है भी नहीं सर, जिनका अकाउंट जो है फरवरी से बात स्टार्ट हुआ है उनके लिए अच्छा। है। हाँ, अगर आपका अकाउंट नहीं, आपका अगर फिजिकल डेबिट कार्ड तब का है तो ही नहीं चार्जेस होंगे, उसके बाद के अगर होगा फरवरी के बाद का अगर आपका कार्ड होगा नया तो फिर उसके चार्जेस रहेंगे। अच्छा, डेबिट कार्ड मंगवाता हूँ तो मान के चलिए मेरा पुराना ही वाला है तो उसके लिए कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं लगेगा? नहीं, उस पर नहीं लगेंगे चार्जेस आपको। ये जो नया वाला डेबिट कार्ड मंगवा रहा हूँ जिसे 199 प्लस 18% GST जो आप लोग ले रहे हैं, उसके लिए भी क्या बाद में मुझे एनुअल चार्जेस देने पड़ेंगे? हाँ, नहीं तो ना सर, आपका फिर पहला अकाउंट है जो डेबिट कार्ड था उस पर नहीं लग रहा था, लेकिन फरवरी के बाद अभी आपने न्यू अकाउंट न्यू डेबिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो उसके चार्जेस भी लगेंगे एंड एनुअल चार्जेस भी लगेंगे सर। लेकिन मैम कस्टमर तो पुराना ही हो ना। हाँ सर, बट अभी यही अपडेट है सर, रखना हो तो। हाँ अच्छा, जी ओके ओके जी ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत समय दिया। ये वेलकम सर।